हाँ प्रणाम माता जी। आशीर्वाद बेटा। मैं कह रहा था मेरा मतलब थोड़ी आज जानकारी चाहिए थी भविष्य संबंधित। अभी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हो? जी जी माँ। ठीक है, पढ़ाई करिए। और लेकिन पढ़ाई में तो मन नहीं लग रहा, जी मन बहुत चिंतित है, परिवार जी जी को लेकर भी चिंतित है आपका मन, जी जी क्योंकि जितना सपोर्ट चाहिए था आपको परिवार से वो मिल नहीं पा रहा है। जी माँ सत्य है या नहीं बेटे? जी सत्य है माँ। और कभी कभी मन इतना हताश हो जाता है आपकी, अपने आप से ज्यादा हार जाते हैं, जी और आपको लगने लगता है कि अब जीवन में कुछ नहीं रखा है, मैं जितना सबके लिए किया हूँ, करते रहा हूँ, अभी तक कर रहा हूँ, लेकिन उसका उसका परिणाम उल्टा ही आता है आपके जीवन में। जी माँ और अभी तो मन इतना ज्यादा आपका अस्त व्यस्त है कि रास्ता भी आप चलते हैं जी तो भी आपको बहुत सोचना पड़ता है, बार बार एक्सीडेंट के योग भी बन रहे हैं, अच्छा और आप तो बच जाते हैं भगवान भोलेनाथ की कृपा से। अच्छा ये सत्य है या नहीं बेटे? माँ ये सत्य है। मन मेरा बिल्कुल नहीं लगता है, ना पढ़ाई में लगता है। अब मेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई है तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा इतने दिन तो। किसी भी कार्य में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। जॉब के लिए आप एग्जाम दे रहे हैं, उसमें भी निकाल नहीं पा रहे हैं, जी जी एक दो माँ तीन एक दो कुछ नंबर से ही आप पीछे रह जा रहे हैं, जी जी माँ और ऐसा लगने लगा है कि सम्मान प्रतिष्ठा सब खो चुका है आपका, वापस जी माँ नहीं आ रहा है, जी और टेंशन और इस बात का है कि जिस पे आपने अधिक भरोसा किया उसने धोखा ही दे दिया आपको, जी जी माँ वो धोखे को आप सहन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सभी तरफ से मन विचलित है आपका। जी जी माँ आप इतना समर्पण भाव रखे थे कि आपको सारी दुनिया उन्हीं के अंदर नजर आ रही थी, जी जी माँ सत्य है या नहीं? सत्य है माँ। लेकिन उन्होंने आपको नहीं समझा, हाँ सही है माँ और वही कारण है कि मन पूरा अस्त व्यस्त हो गया है। जी जी कई बार आपने अपने आप को समाप्त कर देने की योजना भी बना ली कि अब मुझे नहीं रहना, मेरा मान प्रतिष्ठा सब चला गया और हाथ में कुछ नहीं मिला, तो जी माँ सही है आपको हिम्मत नहीं हारना है, जी और माँ भगवती की आराधना करके, भगवान शिव की आराधना करके अपने जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास करना है बेटे। और हाँ जबकि आपका इतना प्यारा दिमाग है कि आप पढ़ाई में बड़े इंटेलिजेंट हैं, जी माँ मतलब पढ़ाई के क्षेत्र में आपका कंप्यूटराइज दिमाग चल रहा था, जैसे कंप्यूटर में मतलब क्लिक करे और इधर आंसर आ जाता है, इसी टाइप का आपका दिमाग था। पढ़ाई जी माँ में आप बहुत आगे थे, जी माँ लेकिन अभी वर्तमान की स्थिति बहुत ज्यादा डगमग हो गई है। जी माँ अच्छा, कम पढ़ाई में भी आपने परसेंटेज अच्छा बनाए हैं, जी माँ सही बात है माँ ये सत्य है या नहीं? सत्य है माँ और किसी के भी लिए आप अच्छा ही सोचते हैं, मंगल ही सोचते हैं, जी माँ लेकिन आप तो इतने स्ट्रेंथ मतलब इतने स्ट्रोंग है बेटे हैं, इतना सक्षम है आप, तन मन धन से मेहनत करने में भी आप पीछे नहीं हटते, कर्म करने में पीछे नहीं हटते, और खर्च करने में भी पीछे नहीं हटते हैं, जी माँ मतलब इतना उदार मन है आपका, सभी के लिए समान भाव रखते हैं, सामान्य संप्रीति रखते हैं, जी माँ इसके सही बाद बात भी आपको लोग धोखा दे देते हैं, जी माँ उनको ही अकेले नहीं, आपने जिन जिन को अपना माना है वो सभी ने आपका जो है मन को दुखाया है, जबकि आप उन सभी को सलाह की बात करते हैं, उनके जीवन में भविष्य में उदय के लिए बात करते हैं, उनके भविष्य में प्रकाश लाने की कोशिश करते हैं, और वो आपके लिए अंधकार लाने की कोशिश करते हैं। जी माँ इसका कारण ये है, मूल कारण, कष्ट का कारण ये है कि आपके जी जीवन में ग्रहण दोष है, अच्छा माँ ग्रहण दोष पितृ दोष के कारण ये सब घटनाएं घट रही हैं, और जो भी जी व्यक्ति आपके करीब होता है वो अपने आप ही दूर हो जाता है, जी माँ जबकि आपसे कोई गलती नहीं होती है, आप सही जब है भी माँ उसके लिए करते हैं न्याय की बात करते हैं, न्याय की बात करने के लिए आपको समय भी निकालना पड़ता है, उन्हें समझाने के लिए समय निकालना पड़ता है, अगर जहां धन लगाने की कोशिश रही तो जहां कुछ 100 200 500 रुपए जो भी लगाने करे तो वो भी आप लगा देते हैं, लेकिन बदले में आपको बदनामी ही मिलती है, सही बात है माँ तो इसका मूल कारण है आपका जो न्यायाधीश है शनि, शनि जी आपका उच्च का नहीं होने के कारण सटीक न्याय आपके फेवर में नहीं आता है, अच्छा माँ और तो आपको माँ बगलामुखी देवी की दीक्षा लेकर आराधना करनी चाहिए,
और भगवान भोलेनाथ की दीक्षा लेकर के आराधना करेंगे तो शनि ये सारे ग्रह आपके फेवर में कार्य करते हैं। और जो गुरु का सानिध्य प्राप्त करता है, गुरु शरण होकर के जीवन जीता है, तो आपके जीवन में आने वाले दुखों के मार्ग से आपको बचाता है सद्गुरु। इसलिए हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म में हमें गुरु परंपरा अपनानी चाहिए। गुरु धारण करने से गुरु हमारे जीवन के संपूर्ण कष्टों से हमें मुक्त करते हैं। सही बात है मैम। हाँ, तो आपको गुरु दीक्षा लेकर के भगवान भोलेनाथ की और माता रानी की आराधना करके, और जो जो ये दुश्मन बन रहे हैं ना, ये सब जी मित्र मैम। बन जाएंगे मैया की कृपा से। हाँ हाँ नहीं तो माँ, अब मतलब जो अब मेरी पढ़ाई भी खत्म हो गई है, तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, मैं पढ़ाई में जीरो हो गया, ठीक है, व्यापार में मेरे पास मतलब करूँ क्या मैं अब मतलब मेरे को ग्रह नक्षत्र के हिसाब से कौन सा फील्ड मेरे लिए ठीक है, या भाग्य उदय कब है, क्या है, मतलब वो किस तरफ जाऊं मैं, ताकि 2 4 5 साल बाद आगे वो मंजिल मेरे को मिल सके, वो मंजिल क्या है मतलब। सबसे पहले आप अगर वो मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं और हाँ आपके जीवन में सर्व सुख, एक दो प्रकार के सुख नहीं, सर्व सुख और सौभाग्य की प्राप्ति हो, तो भगवान शिव की जी आराधना तो करिए आप। किस किस ग्रह की शांति है तो आप पूजन के लिए पैसे खर्च करते रहेंगे बेटे। एक एक रुपए भी हम बड़ी मुश्किल से कमाते हैं, सही बात है और मैम। एक ही ग्रह की शांति के लिए आप कितना पैसा खर्च करेंगे। जी और मैं कहती हूँ कि जो संपूर्ण ग्रहों के राजा है बाबा महाकाल, जी इनकी शरण लेकर के इन ग्रहों की शांति आप अपने आप करवा सकते हैं साधना अच्छा पूजन भजन के माध्यम से। अनेक जन्म की आए, तुम तो इसी जन्म की बिगड़ गई हो तो उसमें रो रहे हो, थोड़ा सा कड़वा जी लगेगा मेरा बोलना, नहीं नहीं माँ, आप बिल्कुल लेकिन जो है वो सफल बोल कर दो आप। सकते हैं। अगर हाँ आप इसी जन्म की बिगड़ी को देख देख कर रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, लेकिन मैं जी कहती हूँ कि अगर अनेक अनेक जन्मों की भी अगर बिगड़ गई है आपकी, तो हाँ भी तत्काल ही सुधारने की सामर्थ्यता रखते हैं सद्गुरु। गुरु सेवा जी में गुरु दीक्षा लेकर के, गुरु शरणार्थी होकर के, गुरु सेवा से गुरु को प्रसन्न करके गुरु आपको पता नहीं क्या क्या दे देगा, जो आपने सपने में भी सोचे नहीं होंगे कि इतना शुभ फल हमको प्राप्त हो जाएगा, और वो प्राप्त हो जाता है। जी माँ। नहीं मैं कह रहा मतलब मेरे ग्रह नक्षत्र कैसे हैं, मतलब थोड़ी मेरे को क्या राजनीति में भी रुचि है, तो राजनीति जैसे है या नहीं है, क्या है मतलब। राजयोग आपका है ना बेटे, आपको तो नौकरी में संतुष्टि नहीं मिलेगी, जी आपको नौकरी में संतुष्टि नहीं मिलेगी, आपको संतुष्टि मिलेगी, आपका बिजनेस होगा, व्यापार होगा, अच्छा माँ तो राजकीय कार्य में आपका रुझान होगा और आपको सफलता भी प्राप्त होगी, लेकिन गुरु कृपा से प्राप्त होगी।